दमोह जिले के साथ आसपास के जिले के लोगों का काम की तलाश में प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाने का दौर लगातार जारी है। कोरोना काल के चलते जहां मजदूरों का पलायन रुक गया था और मजदूर वापस अपने घर लौट आए थे, वहीं एक बार फिर लोग तीज त्यौहार पर फिर से अपने घर आते हैं और फिर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। यह सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि इन मजदूरों को दमोह जिले में और आसपास के जिलों में अच्छे दाम मजदूरी के नहीं मिलते और यही कारण है कि इन लोगों के द्वारा दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी की जाती है जहां पर उनको अच्छा दाम मिलता है। इन मजदूरों का कहना है कि पंचायतों में सचिवों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा काम के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे में उनको काम नहीं दिया जाता। यही कारण है कि वे लोग पलायन करके चले जाते हैं दूसरे प्रदेशों को और वहां पर वो काम करते हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरपंच सचिव के द्वारा उनसे काम ना करा करके मशीनों से काम कराया जाता है। वहीं कलेक्टर कहते हैं कि यदि इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं कि मशीनों से काम कराया जा रहा है, नरेगा का काम कराया जा रहा है, तो निश्चित ही उन पंचायतों की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मजदूर जो पलायन करने को मजबूर है और क्या कहते हैं दमोह जिले के मुखिया इस मामले को लेकर। दिल्ली जा रहा है काम करने। कहाँ गए हो, कहाँ जा रहे हैं? हटा के आए, दिल्ली जा रहे हैं और काम हटा मिल रहा है, इसलिए जा रहा है काम पर। क्यों कहा, गाँव में काम नहीं मिलता? काम नहीं मिलता है। सरपंच लोग इतना काम निकाल रहे हैं, परसोत्तम नाम है। कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे हैं? हटा के। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हैं? दिल्ली जा रहा था। मजदूरी करने जा रहा था। वो कहा, आपके गांव में तो मजदूरी के साधन रहते हैं? साधन तो उतनी मजदूरी नहीं है, अब 30 दिन तो मजदूरी है नहीं उतनी। तो फिर क्या करते हैं जी? मजदूरी करेंगे। अभी लॉकडाउन रहा तो क्या किया? लॉकडाउन साहब ने अपनी मजदूरी, कर्जा पत्ता करे, खाते रहे, वो क्या करें साहब? सरकार ने बोला कि मजदूरी दी है ना, मजदूरी दी है आप लोगों को, और मजदूरी साहब दिए नहीं है नहीं तो कहाँ से देंगे मजदूरी? ग्राम पंचायत के द्वारा। भाई साहब बस्ती बड्डी है, सब उतनी मजदूरी है नहीं उतनी। गाँव में काम होते उनमें कौन काम करते? जो मजदूरी करते साहब, जो कटाई बटाई और क्या काम है। कितने पैसे कमा लेते? अब उसमें ना बड़ा साहब कितने कमाए, कोई 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 वहाँ नहीं कर। शहर में और बाहर शहरों में कितना अंतर हो जाता है कमाई? अब भाई बाहर तो रोज काम है, घर पे तो काम है नहीं उतना। कितने लोग हैं तकरीबन यहाँ से जाने वाले? पता नहीं सर कितने हैं। आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? हमारे साथ 2 लोग हैं। क्यों जा रहे हैं? मेरा नाम परवीन है, हटा से दिल्ली जा रहे हैं। हम अपने परिवार के साथ, सबको पालन पोषण करना है तो हम जाएंगे। यहाँ आप लोगों को इतनी कमाई नहीं हो पाती? नहीं हो पा रही। कौन कौन मजदूरी करता करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे करते हैं। कितने पैसे मिलते गाँव में मजदूरी करने? बहुत कम मिल रहे हैं। कितने के लिए? कम से कम 200। तो वहाँ कितने मिल जाते हैं दिल्ली में? दिल्ली में तो बहुत मिल जाते हैं। कितने लोग हैं आप लोग? घाटा से बहुत सारे हैं। मनकु हरवाल सलैया हटरी। क्यों जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं? इधर मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है, जा रहा है इसलिए। सलैया हटरी। सरपंच के द्वारा इतना काम निकाला जाता है? अरे कुछ सर, कुछ भी नहीं मिला, न कॉलोनी तक नहीं है, घर ले रहने भी की नहीं है। सरपंच कहते हैं कि पैसे देते हैं, कुछ कुछ नहीं मिला। हम 14 दिन हमारे वहाँ रहे थे, मैं जब लॉकडाउन लगा था, पहले 12,000 रुपये मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला हमको। कहाँ पर ये मैं कहाँ रहे थे अपन? हाँ, जहाँ पर रुके थे, गुना में रुके थे। पैसे नहीं मिलते सर? कुछ नहीं मिला हमको। बाहर जाके कितना कमा लेते हैं आप? बाहर जो मजदूरी मिलेगा वही कमा लेंगे। तो क्या मानते हैं अपने गांव से ज़्यादा मजदूरी मिलती है? हाँ मिलती तो है, ये तो बात है। गाँव में कितनी मजदूरी मिलती है और वहाँ? वहाँ 400 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर?
100 रुपया मिलता है, 100-150 इतने ज़्यादा नहीं। क्या नाम है आपका? मनकू। चंद्रावल के हैं हम, मजदूरी करने जा रहे हैं। गांव में मजदूरी लगती नहीं है, तो जहां गुजारा हो जहां जाएंगे। और क्या? कितने पैसे मिल जाते आपको? वही 300-400। यहां कितने पैसे मिल जाते थे आपको? यहां लगता ही कौन है, लगे ही कौन काम यहां? सरपंच काम नहीं देता क्या? सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम काम देंगे। नहीं दे रहे जी, नहीं दे रहा। कितने पैसे मिले अभी तक आपको? कहाँ पे जी? सरपंच से कितने पैसे मिले काम के? एक भी नहीं। क्या मानते हैं? हाँ जी, क्या मानते हैं सरकारी योजना, सरकार दावा करती है? सरकार जी यही गारंटी वाला रहता है, ये खंती वगैरह डलती हैं तो जी नहीं मिल पाती है ना, क्या करें, जहाँ गुजारा हो जहाँ तो जाना ही पड़े। कितने लोग हैं आप लोग? 3 लोग हैं। दिल्ली जा रहा काम कर रही। हटा में का, काम नहीं मिल रहा। हटा में नहीं मिल रहा। क्यों मिल नहीं रहा? गाजियाबाद जा रहे हैं काम करने के लिए। क्यों जा रहे हैं? मजदूरी यहाँ नहीं है तो करने हैं, कहीं भी करने पड़ेगा मजदूरी। क्यों नहीं है मजदूरी? सरकार कितनी योजना चलती है? अरे तब क्या कर, जब आप कुगावे अपन करवावे तो है, अब घर बैठे बैठे कहीं सब फूट चलेगा। आपने गांव में सरपंच से कोई संपर्क नहीं किया है? ऐसे क्या कर, अब जितने आदमी के लगे, अब हजारों आदमी है, कहाँ लगा पूछ रहा। अरे बस यही तो है। कितने लोग हैं आप लोग? हमारे ज़्यादा 10 जन हैं। क्या नाम है? चंदू। जगह से और मीडिया से भी लगातार हम लोगों को मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में जितना लोगों को रोज़गार उपलब्ध होना है, या अपने नरेगा के माध्यम से या अन्य कार्यों के माध्यम से रोज़गार जो है पर्याप्त उपलब्ध नहीं होने का आ रही है। तो हम लोगों ने पूरे सीओ जनपद, सीओ जिला पंचायत और जितने भी अपने रूरल डेवलपमेंट में जितने भी अपने स्कीम्स हैं और इसके अलावा भी जितने भी कार्य होने की संभावना है उसकी पूरी एक लिस्टिंग करा रहे हैं। कल पूरा रूरल डेवलपमेंट का एक हम लोग बैठक भी रख रहे हैं कि कितने काम आज के डेट में रनिंग में है, कितने काम वो नया ले सकते हैं जो अनुमतिकार हो सकते हैं, और कितने कार्यों में लोगों को वहाँ पे आज के डेट में लेबर या अपना काम मिलने की संभावना है, वो सब भी चिन्हित कर रहे हैं। इसके अलावा गांवों में भी जो छोटे छोटे अपने अपने व्यवसाय जो भी है वो चलाने के लिए जो कार्यक्रम इन लोगों को करना है वो कर सकते हैं कि नहीं, उसका भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा NRLM के माध्यम से जितने भी अपने स्वसहायता समूह हैं उन सभी लोगों को जो लोन्स मिलना है या रोटेशन में इन लोगों को फंड्स मिलना है वो प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, वो भी चेक कर रहे हैं। ये सब करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और कहीं पर हम लोगों को ये भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि लोगों नरेगा में जो गैर अनुमति कार्यों में भी मशीनों का उपयोग होने की बात आई थी, तो उसको भी हम लोग लगातार प्रयास रहते हैं कि चेक कराने के लिए कि कहीं पे भी गैर अनुमति कार्यों में मशीन का उपयोग ना हो, ताकि जितने लोगों को आज के डेट में नरेगा के माध्यम से या ग्रामीण विकास के माध्यम से लेबर मिलने की संभावना है या कार्य मिलने की संभावना है सभी लोगों को पर्याप्त कार्य मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका जो जीवन यापन करने के लिए जो संभावना हो सकती है वो सब संभावना जो है यहाँ पे करने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं।